नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 5 हिंदी के पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अध्याय 5 जहाँ चाहा वहाँ रहा के प्रश्नोत्तर की ध्वनि प्रस्तुति। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। उत्तर, यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि ये काम कैसे करती होगी, इसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। प्रश्न 2, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। उत्तर, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया कि हम सब अपाहिज लोगों को कमजोर नहीं समझेंगे और उन्हें भी हर काम करने में कुशल मानेंगे। आगे देखते हैं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। प्रश्न 1, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो किन किन कामों में परेशानी आएगी। उत्तर, यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो उसे निम्नलिखित कामों में परेशानी आएगी। जल्दी जल्दी लिखना, कोई खेल खेलना, कोई सामान उठाना, शौचालय जाना, और भी बच्चों बहुत से ऐसे कार्य हो सकते हैं जो आप अपने मन में सोचकर उन्हें लिख सकते हैं। प्रश्न 2, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो। उत्तर, उसे इन कामों में परेशानी ना हो इसके लिए हम विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं जो सभी कामों में इला जैसी छात्रों की सहायता करें। प्यारी इला, बच्चों आपने देखा था कि इसमें एक पत्र भी दिया गया था, पत्र यानी कि चिट्ठी। तो हम उसे देखते हैं। इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें चिट्ठी की एक रूपरेखा दी गई है। तो इसमें हम करते हैं क्या, देखिए इसका उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे। परीक्षा भवन दिल्ली 18 मार्च 2009, यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर हम जो भी आपका पता है, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद में जो भी आपके मन की स्थिति है, जो भी आपके मन के विचार हैं आप उनको लिखेंगे। प्रिय इला, मैं तुम्हारी स्थिति देखकर जितना सोचती हूँ या सोचता हूँ उतनी ही पीड़ा का अनुभव करती हूँ या करता हूँ। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मेरे मन में तुम्हारे लिए सच्ची सहानुभूति और प्रेम है। तुम्हारी जैसी साहसी लड़की को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। तुम्हारा या तुम्हारी क ख ग, इस क ख ग की जगह पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। प्रश्न 1, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे, क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं, अपने उत्तर का कारण भी लिखो। उत्तर, इला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका चिंता करना सही था क्योंकि इला जैसे छात्र को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 2, इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी। उत्तर, इला की कशीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी।
उसने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ अन्य कई टांके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। उसके डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता था। बच्चों, इसमें आपको और भी जो खास बात लगते हो वो आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 3। सही के आगे सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि। तो बच्चों, इला 10वीं की परीक्षा पास क्यों नहीं कर सकी थी? ऑप्शन देखते हैं इसके। परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। तो बच्चों, उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं। तो बच्चों, इसका उत्तर जैसे कि हमने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था, क्या होना चाहिए कि इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि उसकी लिखने की गति धीमी थी, क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। प्रश्न 4। क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? तो बच्चों, इस प्रश्न से ही जैसा झलकता है कि अगर हमें किसी कार्य को करने का मौका ही ना मिले तो क्या हम उस कार्य को कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसका उत्तर भी क्या होगा कि अगर इलाके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते तो इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती। चलिए देखते हैं कशीदा कारी से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ दिया गया है, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो बच्चों, यहाँ से आप जितने भी आपने नए शब्द सीखे हैं उनको देख सकते हैं। नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। फुटबॉल, बुनने या ऊन, बागबानी, पतंगबाजी। तो पहले प्रश्न यानी क का उत्तर क्या होगा? पल्लू, टांके, बेल बूट, कढ़ाई, कशीदाकारी, सुई, पिरोना, रेशम व परिधान। ख यानी जो ख का उत्तर क्या होगा कि बुनाई, बुनाई के लिए क्या क्या शब्द यहाँ पर प्रयोग में लिए गए हैं? ऊन, सिलाई, फंदे, एक घर, धागा, डिजाइन, फंदे डालना आदि। पतंगबाजी, साड़ी, मांझा, पंग, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना आदि। अब यहाँ पर प्रश्न 2 दिया गया है कि एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काटकर बनाओ। उस पर पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 46 दिए गए टांकों में से किसी एक टांके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। तो बच्चों, ये जो कार्य है यह आपको स्वयं करना है। इस कार्य में आप अपने माता पिता की, भाई बहन की सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने देखा जहां चाहा वहां रहा के प्रश्नोत्तर। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।